हमने तो इसका सुना था जब आप आज आए और आज थोड़ा सा उनके परिवारजनों से परिजनों से जो पूरे डिटेल पता चले तो बिल्कुल दिल दहला देता। मतलब ऐसी घटना जैसे कहते हैं ना किसी दुश्मन को भी ना हो, मतलब ये तो मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा कलंक है। लेकिन देखिए देखिए बात इसमें ऐसी है, मैं सुन रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से और जो एक चिरपरिचित तरीका हो गया है दिल्ली की दोनों पार्टियों का जो काबिज है, चाहे भारत सरकार में हो चाहे एमसीडी में हो चाहे दिल्ली सरकार में हो, कि एक दूसरे पर पिंग पोंग की तरह फैलना। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ 10 साल सांसद रहा हूँ और ये एक नाला नहीं है जिसमें ये कंडीशन होती है कि हैंडओवर हो गया है या डीडीए का है या एमसीडी का है। ऐसा अमरीश जी के इलाके में मुल्ला कॉलोनी थी, उसके सामने डीडीए का एक बहुत खतरनाक नाला था। ऐसे करके हमारे ओखला में एक इलाका है, उसमें तो बल्कि उत्तर प्रदेश इरिगेशन की वो जमीन है। जहां भी ये सब था हम लोग क्या कोशिश करते थे, क्या हम ये कोशिश करते थे कि एक दूसरे पर उंगली उठाएं? ये था कि क्या उसमें माध्यम बन सकता है, क्योंकि नाले में इंसान गिरता है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गिरती है। और जब भी नालों में पानी भरता है तो खतरा हो जाता है। मेरा ये कि क्यों नहीं इस तरीके से हमारे चुने हुए यहाँ के जो जितने प्रतिनिधि थे या सरकारें थी या अधिकारी थी, वो इन चीजों को चिन्हित कर पाए। आप कहीं भी पानी इस तरीके का जल भराव देखते हैं तो क्या दूर से नहीं लगने लगता कि खतरा है? ऐसा क्यों है कि हमारे 10-15 साल में इस तरीके के हादसे जो पहले होते थे बहुत कम हुए? मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में का नाला है यूपी इरीगेशन का, हमारे ओखला में यूपी इरीगेशन ने कहा हम उसे पैसा नहीं दे सकते, दिल्ली सरकार ने कहा हम पैसा नहीं डाल सकते क्योंकि यूपी की जमीन है। हम लोगों ने बात की, मैडम ने कैबिनेट से पास कराया, हमने उनको पैसा दिया जितना वो रिपेयर हो सकता था। यहाँ भी वही हुआ, डीडीए का था। हमने एक और चीज है, आपको अगर याद होगा दिल्ली में कांग्रेस ने एक यमुना विकास बोर्ड बनाया था इन्हीं चीजों के लिए, क्योंकि जहां जहां अनऑथराइज्ड होता है या जहां जहां अलग अलग एजेंसियां होती हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि डीडीए को डीडीए से पैसा मिल सकता है, एमसीडी को एमसीडी से मिल सकता है, पीडब्ल्यूडी को पीडब्ल्यूडी से मिल सकता है। तो यमुना विकास बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि जो भी सरकार हो जैसी भी एजेंसी हो उसको अगर धन की जरूरत होगी जनहित में तो वहां के सांसद या विधायक अगर उस बात को रेकमेंड करेंगे या अधिकारी करेंगे तो इस फंड से हमें पैसा मिल जाएगा। तो यमुना विकास बोर्ड से एमसीडी को पैसा जाता था, यूपी सरकार का जहां उनके इलाके हैं उसको पैसा जाता था, पीडब्ल्यूडी को जाता था। आपने वो सब बंद कर दिया क्योंकि ऐसा दिक्कत क्या है कि दोनों पार्टियों में सिर्फ दिखावे का वोट पड़ रहा है। केजरीवाल साहब ने ठीक है बिजली पानी मुफ्त कर दिया, वो उसी चक्कर में सिर्फ जीत रहे हैं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं, मानवता से कोई लेना देना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात पे खुश हो जाती है कि क्योंकि बदइंतजामी आम आदमी पार्टी के तो हम इसमें क्या करें। बात यह है कि इस तरीके के तौर तरीके पहले भी होते थे, लेकिन जो हमारी चुनी हुई सरकारें हैं ये रवैया अगर वो रखेंगी तो दिल्ली तहस नहस हो जाएगी। अभी आप देखो 3 बच्चों के साथ क्या हुआ। लेकिन यही है कि हादसा जब होता है तो हर कोई दूसरा जिम्मेवार है। ये कौन सी सरकारें बन गई, तो पहली बार मैंने देखा है कि सरकारों पे और चुने हुए प्रतिनिधियों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है और यहाँ लोग हताश होते जा रहे हैं। सर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? अगर आपको काम करने में चाहिए, आपको उदाहरण अभी दिया है, हमारे समय भी जब सरकारें थी ये सब आता था, कोई चीज डीडीए की है, कोई एमसीडी की है, कोई पीडब्ल्यूडी की। ऐसा तो है नहीं कि ये पहले नहीं थे मसले, पहले किस लिए काम हो जाती है, कम से कम कोशिश तो होती थी काम की। और इसलिए होती थी कि हमारा ये ध्येय था कि हमको काम करना हमारी जिम्मेवारी है। अमरीश जी अगर विधायक चुने गए हैं तो ये नहीं कह सकते थे कि डीडीए मेरा नहीं है। अगर मैं पार्लियामेंट चुना गया हूं तो मैं ये नहीं कह सकता था कि एमसीडी बीजेपी की तो हमारी नहीं है। हमारा ये था कि हम चुने गए हैं लोगों के लिए, हमारा ये काम होता है कि अगर सरकार की एजेंसियों में सामंजस्य नहीं है तो सामंजस्य बना लें, लोगों को एक साथ कर लें। अगर आपको लगता है कि एक दूसरे पर उंगली उठाकर आप अपनी जिम्मेवारी से बच सकते हैं तो ये राजनीति आपको मुबारक हो। इस राजनीति से उस तरीके के तौर तरीके से हम कम से कम इत्तेफाक नहीं रखते। भरपाई कभी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। भरपाई एक ही चीज से हो सकती है कि हमारी चुनी हुई सरकारें हमारे अधिकारी इससे कोई ना कोई सीख लेके कम से कम और लोगों के लिए तो कोई कोशिश करें। लेकिन अगर आपका काम केवल दूसरे पर उंगली उठाना है तो इससे कोई सीख नहीं बनती है, क्योंकि भारतीय खासकर आम आदमी पार्टी केवल चुनाव से चुनाव जीती है, उसको बीच के 5 साल में दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। सर आपकी पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को कोई आश्वासन? देखिए हमारे तो हम तो यही कोशिश कर सकते हैं कि अपनी व्यक्तिगत रूप में, मैंने अमरीश जी से बात की, लक्ष्मण जी से बात की कि जो भी हम मदद कर सकें। ये बता रहे थे कि बहुत गरीब परिवार से आता है, देखो हम क्या कर सकते हैं। दूसरा हमने ये तय किया कि मंडे को सवेरे एलजी साहब को हम टाइम मांगेंगे, 2-3 दिन में वो जो भी टाइम दे दें, जो भी हम लोग मुआवजा भारत सरकार से दिलवा सकते हैं वो हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई खिलाड़ी होता, कोई ऐसी चीज होती जहां बड़ी हेडलाइंस मिल रही हैं तो 2-2, 5-5 करोड़ दे देते। किसी गरीब के यहाँ जब त्रासदी होती है तो आम आदमी को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें ज्यादा इस बात का इंटरेस्ट है कि तिहाड़ जेल में किसको मिठाई मिल रही है, किसको फल मिल रहा है, वो उसमें ज्यादा लगे हैं। वहां उनको सब कुछ दिख जाता है, यहां उनको नहीं दिखता। तो हम कोशिश करेंगे। एलजी साहब के लिए भी मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि एलजी साहब माने जाते हैं, न्यूट्रल है,
सबके एलजी हैं, कम से कम वहां से कुछ मिल जाएगा तो हो सकता है इस परिवार को कुछ जो है कम से कम आर्थिक मदद मिल जाए। अभी बरसात की शुरुआत है और आसपास तमाम इसी प्रकार से नाले खुले हुए हैं जहां कभी भी हादसा हो सकता है, क्या लगता है अभी किसी और हादसे का इंतजार हो रहा है? देखिए सर, यही ऐसा है, अगर स्वतः अपने आप हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारी सरकारें अगर संज्ञान नहीं लेंगी तो ये जो तमाम त्रासदियां होती हैं ये घंटी बजाती हैं। लेकिन हमारी सरकारें तो त्रासदियां सुनने को तैयार नहीं है ना। अब कल परसों आपको मालूम होगा जो बारिश हुई है, मैं एक जगह फंसा हुआ था, बहुत सामान्य जगह जहां कभी ट्रैफिक जाम सुना नहीं करते थे, 4 घंटे में फंसा रहा। क्यों? क्योंकि एक इलाके में नाले ओवरफ्लो कर रहे थे। अब नाले तो तभी ओवरफ्लो करेंगे साहब जब वह सफाई नहीं हुई होगी। ऐसा तो है नहीं कि हमारे समय बरसात नहीं होती थी, या ऐसा है कि ऊपर भगवान की विशेष कृपा है कि केजरीवाल बन के मुख्यमंत्री तो मैं अब ज्यादा बरसूंगा तब नहीं बरसता था, ये तो होता नहीं है ना। लेकिन क्या आपने तैयारियां की हैं? अभी बागनी जी मेरे साथ हैं, ये हमारे MCD में थे, ये बताते थे कि दिल्ली की जो उस समय दिल्ली में जो MCD की थी या उसके पहले BJP की सरकार थी, हर बार बरसात के पहले अमरीश जी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री मीटिंग किया करते थे, कौन से नाले साफ हो रहे हैं, MCD को कितना पैसा चाहिए। हर बार MCD आकर 500 600 700 करोड़ एडिशनल ले जाती थी। पैसा मिलेगा तभी तो काम होगा, हवा में तो काम हो नहीं सकता। और सरकार, और अगर आपको MCD, अगर आप ये मान लें कि MCD इसकी है, DDA किसी और का है और हम इस पर उंगली उठा सकते हैं तो काम नहीं होंगे। थैंक यू।